नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में। व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? बहुत से लोगों के मन में एक विचार होगा कि कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक यंत्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर? अ कंप्यूटर इज अ मशीन डेट कैन स्टोर एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो सूचनाओं को स्टोर और प्रोसेस कर सकती है। कंप्यूटर इज इसेंशली डराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच बेसिकली मीन्स कैलकुलेट। कंप्यूटर अनिवार्य रूप से गणना शब्द से बना है, जिसका मूल रूप से अर्थ गणना होता है। मतलब कि जैसे कंप्यूटर जो है अपना एक वर्ड जो लिया गया है, कंप्यूट शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब कैलकुलेट करना होता है। बाय द वे, अ कंप्यूटर इज नॉट एन एक्रोनिम एंड इज द नेम ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। वैसे कंप्यूटर एक संक्षिप्त नाम नहीं है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का नाम है। जैसे कि हम देखते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है, जैसे SBI है, तो SBI एक फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वैसे कंप्यूटर जो है ऐसा कुछ नहीं है, कंप्यूटर एक किसी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का नाम है, इसलिए इसको कहा गया कि एक्रोनिम नहीं है, जो हम डिफाइन करते हैं कि सी से ये होता है, ओ से ये होता है, ऐसे करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर हम देखते हैं कि कंप्यूटर का यूज़ कहाँ है। अ कंप्यूटर इज अ सिंपल मशीन डेट वी कैन प्रोग्राम फॉर अ लॉट ऑफ लॉजिकल एंड अर्थमेटिकल फंक्शंस एंड इट एग्जीक्यूट्स आवर वर्क अकॉर्डिंग टू आवर इंस्ट्रक्शंस। मतलब कंप्यूटर एक साधारण मशीन है जिसे हम बहुत सारे तार्किक और अंक गणितीय कार्यों के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं, और यह हमारे निर्देशों के अनुसार हमारे काम को निष्पादित करता है। मीन्स किसी न किसी ने इसमें ऐसी इंस्ट्रक्शन डाली है जिसके बिहाफ पे ये हमारे लिए रिजल्ट लेके आता है। किसी ने प्रोग्रामिंग की है, सॉफ्टवेयर डाला है, उसके अकॉर्डिंग ये हमें जो भी है रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर कहते हैं कि कंप्यूटर के जो फादर चार्ल्स बाबेज इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। ही डेवलप्ड द प्लान ऑफ द एनालिटिकल इंजन इन 1830 विच लेटर कम टू बी नोन एज द कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1830 में विश्लेषणात्मक इंजन की योजना विकसित की, जिसे बाद में कंप्यूटर के रूप में जाना जाने लगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे कि बताया, कंप्यूटर का फुल फॉर्म सी जो वर्ड है उसको यूज़ किया गया है कॉमनली, मतलब सामान्य रूप से। उसके बाद ओ मीन्स ऑपरेटेड, परिचालन। फिर आपका आ जाता है एम एम मतलब मशीन, हिंदी में मशीन कहते हैं। उसके बाद पी से पर्पसली या पर्टिकुलरली, विशेष रूप से। यू मीन्स यूज्ड, प्रयुक्त या उपयोग किया गया। टी से टेक्निकल मीन्स तकनीकी। ई से एजुकेशनल, शैक्षिक या शिक्षा संबंधी। आर फॉर रिसर्च मीन्स अनुसंधान। अब ओवरऑल पूरा कर लेते हैं तो इसका अर्थ क्या आया, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्निकल, एजुकेशनल एंड रिसर्च। यह एक सामान्य रूप की मशीन है जिसका हम उपयोग कहाँ करते हैं, टेक्निकल यूज पर्पस से, एजुकेशनल पर्पस से और रिसर्च पर्पस से। फ्रेंड्स, ये कंप्यूटर जो है, हमने जो नेम को हमने वैसे डिफाइन किया गया है, ये इसकी कहते हैं कि मतलब कि फुल फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये एक एक्रोनिम नहीं है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।